प्रतापगढ़ में एक न्यूज चैनल के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पत्रकारों में आक्रोश है, जिसको लेकर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया और मृतक पत्रकार के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और घटना की उच्च स्तरीय जांच के अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के साथ ही मृतक परिवार के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से सौंपा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने कहा, उनका मृत शरीर संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है और पत्रकार भी लगातार खबर दिखा रहे थे, उसी क्रम में सुलभ जी भी दिखा रहे थे और उनको लगातार धमकी मिल रही थी कि आप खबर दिखाना बंद कर दें, नहीं तो आप उसके लिए ठीक नहीं होगा, मेरे जान में खतरा है, मुझे सुरक्षा दिलाया गया, लेकिन उन्हें नहीं मिला। ऐसा व्यक्ति हुए जब उनका जब अमृत पाए गए तब जाके आनंद फानंद में लीपापोती करने के लिए, उसमें भी एस पी प्रतापगढ़ ने एफिडेविट किया था कि दुर्घटना से हुआ, जबकि पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया था। वैसे में कहीं ना कहीं यह लगता है कि जरूर कोई साजिश रही होगी, इसके अंदेशा से हम लोग जो है इनकार नहीं कर सकते। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है उसकी जाँच हो और निष्पक्ष जाँच के साथ ही साथ उन अधिकारियों को दंडित करें जो कि समय से इनके प्रार्थना पत्र को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और शांति के लिए सभा में सभी साथियों के सामने 2 मिनट का मौन रखा। फोटो दे वीडियो देखिए, यहाँ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सदस्यों ने साथियों ने जो प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और जो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनकी शिकायत पर एक्शन नहीं लिया, जो लापरवाही दिखाई गई, उसी के क्रम में एक बैठक हुई है। अपने मृत साथी को आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही एक पत्रक भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि जिसमें इनके मौत की निष्पक्ष जांच हो, प्रतापगढ़ और प्रयागराज पुलिस को हटा के, और जिन पुलिस अधिकारियों ने इनके एप्लीकेशन को जो इन्होंने दिया था कि इनकी जान को खतरा है गंभीरता से नहीं लिया, उनके खिलाफ भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, साथ ही उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता भी कराने की कृपा करें। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सहनशीलता दिखाते हुए गंभीरता से सारे प्रकरण को देखते हैं, इसको भी करेंगे और साथी पत्रकार को न्याय भी मिलेगा, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।